गुड मॉर्निंग, उठ गया था सुबह 7 बजे ही, पर उसके बाद में हमने थंबनेल वगैरह बनाया, फ्रेश हुए, सब कुछ किया और अब निकल रहे हैं यहाँ से है एग्ज़िट। 10 बज रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं गुरुद्वारे से बाहर। सो अब चलते हैं सीएम हाउस की तरफ। यही है गुरुद्वारा जहाँ पर हम कल थे और हमें जाना है यहाँ से राइट। यार कहानी शुरू हो गई और आज आपका स्वागत नहीं हुआ। सो जय हिंद दोस्तों, आज है 11 मई और सुबह के बज रहे हैं 10। गुरुद्वारे से हम बाहर निकल चुके हैं और चल रहे हैं सीएम हाउस की तरफ। सो बने रहिए, शुरू शुरू में ब्लॉग शुरू होते ही रोज़ कितना एक्साइटमेंट होता है ना, आप लोगों को भी मज़ा आता होगा। बस आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक कमेंट शेयर का और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का, तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। वाला जो इलाका है इधर से हम जाएंगे सीएम हाउस की तरफ और हमें लग रहा कि आज हरियाणा के सीएम तो नहीं मिल पाएंगे। बाकी मैडम जा रही है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था। वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकल के काम करता है, ऐसा कुछ काम करता है जो सब नहीं करते, रेयर होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। सो ये हैं फीमेल और ये हैं गर्ल, ये बाइक चला रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वो जगह है जहाँ पर अभी हम बैठ करके थोड़ी मोड़ी एडिटिंग कर रहे थे, थंबनेल क्रिएट कर रहे थे। मेन रोड से आ रहे थे, हमें कोई खास जगह नहीं मिली जहाँ पर शांत हो प्लस छाया हो, तो अब एडिटिंग हो गई है, थंबनेल बन गया। अब चलते हैं वो जगह ढूंढने जहाँ पर वाईफाई मिल सके और फिर वहाँ पर हम कर सकें अपलोड। यहाँ पर है वो प्लेस जहाँ पर हम बैठे थे एडिट कर रहे थे और वहाँ से आए यहाँ। ये है कपूर ऑप्टिकल्स। सो यहाँ पर आए और ये जो सर दिख रहे हैं, इनसे हमने पूछा कि क्या हमें थोड़ी देर के लिए वाईफाई मिल सकता है वीडियो अपलोड करनी है। इन्होंने कहा यस। सो हमने वीडियो अपलोड कर लिया, अब अपलोड करके निकलते हैं। सो दो वीडियो अपलोड किया है, एक तो मैंने दरड़ गांव वाली जो ब्लॉग था उसको मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि सर जी ने बोला था कि मेरा नाम नहीं दिखाना, तो इसके लिए वो नाम छुपाने के लिए प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, सो उसके लिए वो हाइड करना पड़ा। तो उसको डिलीट करके फिर से मैंने एडिट किया और उसको अपलोड किया। और जो कल वाला ब्लॉग था सीएम हाउस जा रहे थे मिलने के लिए, वो वाला ब्लॉग, तो पता है अगर कोई वीडियो पेंडिंग में हो वो अपलोड हो जाए तो बहुत सुकून मिलता है। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि यस आई डिड इट, जो कल की मेहनत थी वो आपके सामने पेश हो चुकी है। अब आपके ऊपर है कि कितना लाइक्स आते हैं, कितना कमेंट आता है, आप शेयर करते हैं या नहीं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते हैं नहीं, तो आई होप आप कर लेना। 11:48 अभी हम जस्ट वीडियो अपलोड करके आगे निकल रहे थे और चलते चलते रास्ते में एक भाई साहब मिले, मुस्कुराए और हम भी उनके पास आए, बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते उन्होंने हमारे लिए लस्सी मंगाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस देखिए यही इंसानियत, यही अच्छी बातें, यही अच्छे लोग, यही दिखाने के लिए निकले और अब दिखाते हैं कि भाई साहब हैं कौन। तो ये हैं सर जी, जय हिंद सर। हेलो, जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? अजय गुप्ता। इस वक्त हम कहाँ पर हैं? सेक्टर 9 मार्केट में। अच्छा जी, चंडीगढ़। हाँ जी। और आप यहीं पर जॉब करते हैं? बहुत खुशी हुई, दोनों यात्रा पे निकले हैं और लोगों की मदद से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, भगवान इनकी यात्रा को सफलतापूर्वक करे। हाँ जी, लस्सी भी हो। तो लस्सी के लिए बुला रहे हैं, लस्सी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये थी सच्चाई, ये थी अच्छाई और ये थी इंसानियत। हमने उनसे कहा कि हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं है, प्यास नहीं है ज़रा भी, पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं यार हमारी तरफ से आए हो कुछ तो खा पी लो प्रेम से। तो लस्सी पिला दी दोनों भाइयों को एक गिलास और उसके बाद भी उन्होंने 6 केले दे दिए हैं, बोलते कहीं खा लेना, हमने मना किया पर फिर भी कहा कि नहीं ले लो, ज़बरदस्ती दिया है। तो ये भाई, ये प्यार है, ये अच्छाई है। आप लोग इनको देखो यार, ज़िंदगी में कभी कोई आपको अगर ऐसा कोई इंसान दिख जाए तो थोड़ी सी मदद कर देना उसकी, है ना। तो इन अच्छी चीज़ों को देख करके अच्छाइयाँ अपनाना हमारे अपने हाथ में है, ठीक है। कल मैं आप लोगों से कह रहा था ना कि चंडीगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेकर के बताऊंगा, तो जानकारी मिल गई है। एक भाई साहब मिले, वो हमें ये बता रहे थे कि चंडीगढ़ ना ही हरियाणा का पार्ट है ना ही पंजाब का, ये दोनों स्टेट का कैपिटल है और इसको कोई और नहीं कंट्रोल करता है, ठीक है जी। सो यहाँ पर कोई सीएम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ MLA है। तो अच्छा लगा ये चीज़ देखकर। और यहाँ की एक और ख़ास बात है चंडीगढ़ की कि यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल्स कम हैं और उनमें भी सिर्फ छोटे बच्चों को डाला जाता है, जैसे बहुत ही नन्हे बच्चे नहीं होते हैं जिनको आदत डलानी है स्कूल जाने की, उस तरह का। बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। एक भाई मिले थे वो बता रहे थे। तो ये है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ सिटी भी बहुत अच्छी है यार, बहुत सही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे का एक आउटलेट देखा, बहुत अच्छा लगा।
रितेश भाई ने जाकर वहाँ पर बात की है थोड़ी मोड़ी, काफ़ी कुछ बातें हैं, आप जाके चेकआउट करना मुफ्त यात्री यूट्यूब चैनल पर। और बाकी यार मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस यंग बंदे ने जो इंडिया में यूथ को इंस्पायर करने का, इन्फ्लुएंस करने का जो ट्रेंड सेट किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, कोई लड़की है पटना से, 24 साल की है, उसने पढ़ाई बहुत अच्छी की है और उसने खुद का चाय का एक स्टॉल लगा के रखा है और वो भी कुछ ऐसा ही करना चाह रही है। देख के बहुत अच्छा लगा कि प्रफुल्ल बिल्लोरे को देख कर बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उनको हिम्मत मिल रही है ऐसा कुछ नया खुद का अपना करने की। नौकरियां कब तक ढूंढते रहोगे यार, नौकरियां बनाना शुरू करो। ऐसा पीछे है वहां पर दिख रहा है सिग्नल, ये वो जगह है जहां कल हमें रोका गया था। कल हम यहां से आगे नहीं जा पाए थे पर आज यहां से आगे जा रहे हैं। हमें कुछ सिक्योरिटी वाले मिले मेन सिग्नल पर, उन्होंने कहा कि भगवंत मान साहब अभी हैं नहीं, वो बाहर हैं कहीं, तो कोई पीए या कोई हमें मिल जाएगा उनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद में भगवंत मान साहब कब आएंगे पता नहीं है। और ये है रास्ता आगे का। 2:15 हम आए और अभी हो रहा है 2:45। अभी एक शेड के नीचे, छत के नीचे बैठे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी बाइकें हैं और ये वो जगह है जहाँ पर हमारे पंजाब के सीएम साहब हैं, तो उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। आधार कार्ड हमने अपना दिखाया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली गई, कब निकले हो, कितने बजे निकले हो, कहाँ से निकले हो, क्या मकसद से निकले हो, कितने दिन हो गया, कब तक घूमोगे, तो क्या पर्पज़ है मिलने का, बहुत सारी चीज़ें, तो हमने सब कुछ बताई। आखिर सीएम से मिलने जा रहे हैं, कोई मजाक बात थोड़ी ना है। सो अभी बस इंतज़ार हो रहा है और वहाँ से जब भी बुलावा आ जाए जाएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, अपना संदेश उनको सुनाएंगे, फिर देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो आपको बताएंगे। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड होगा, कोशिश करेंगे अगर एक फ़ोटो भी मिल जाएगी तो अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों को देख करके अच्छा लगे कि हाँ हम वहाँ मिलकर आए हैं, है ना। दोस्तों 2:15 के आए थे और 4 बज रहा है, इंतज़ार किया, इंतज़ार ख़त्म हुआ तो सीएम हाउस में गए मिलने के लिए और वहाँ पर काफ़ी इंक्वायरी ली जाती है, इंक्वायरी ली गई और काफ़ी पूछताछ हुई, चेकिंग हुई, उसके बाद में फिर पास बनता है, पास बनने के बाद में हम सीएम से मिल सकते हैं। तो हमारा भी सब कुछ पूछने के बाद पास बन रहा था और पास बनने के बाद, पास बनाते समय ही एक सिक्योरिटी गार्ड आए, मतलब बॉडी गार्ड कह लो या फिर फोर्स से कह लो, उन्होंने कहा कि बस आज के लिए बस इतना ही, टाइम ख़त्म, अब कल मिलना होगा तो कल सुबह मिल लेना। तो उन्होंने पास बनाना बंद कर दिया जो सर बना रहे थे, तो ऐसी रही कहानी। अब बोल रहे हैं कि मिलना है तो कल सुबह आ जाओ, तो बस वही वाली चीज़ यार, कल भी आए थे मिलने के लिए, आज भी आए, थोड़ा सा टाइम जरा सा कुछ लेट हो गया, कुछ से मिनट का शायद, तो अब यहाँ से जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, उन्होंने भी हमारा मैसेज देख लिया, हमारा मैसेज वहाँ तक पहुँच गया, तो खैर अब यहाँ से अब निकल रहे हैं और पटियाला की तरफ जाना है अभी हमें। 4:20 PM शाम के 4:30 बज रहे हैं और अब हम निकले हैं पटियाला की तरफ। हाँ जी, तो चंडीगढ़ से अब पटियाला की तरफ जा रहे हैं और ये है रूट और ये है सुंदरता। सो बहुत अच्छा लग रहा है यार, कितनी हरियाली भाई साहब इधर, बहुत ज़्यादा। पटियाला नाम सुनते ही एक चीज़ याद आई, वो ये कि मतलब तुरंत पट से पटियाला नाम सुनते एक चीज़ याद आ गई, वो ये कि ओए पटियाला पैग पिला दे भाई, पैग पीना गलत बात है लेकिन पटियाला जाना चंगी बात है जी। 4:30 बज रहा है, लिफ्ट पीस वाला बोर्ड बाहर और अब शुरू करेंगे लिफ्ट लेना, हिचहाइकिंग। हमारी यात्रा यार पैदल बहुत ज़्यादा होती है, हम लोग वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, लिफ्ट बहुत कम लेते हैं, बट इट्स टाइम टू हिचहाइक राइट नाउ। अब लिफ्ट प्लीज वाला बोर्ड ले लिया है, लिफ्ट लेने के लिए तैयार और लिफ्ट लेना मैंने शुरू भी कर दिया है। एक भाई साहब रुके थे यहाँ पर चंडीगढ़ में, डबल हेलमेट ज़रूरी है, तो इसके लिए वो चले गए क्योंकि मेरा हेलमेट आपको पता है हरियाणा में घूम गया था, तो अभी तक हेलमेट वहीं रह गया, वरना बाइक से लिफ्ट मिल जाती। खैर अब हमें 2-व्हीलर पर तो पॉसिबल नहीं है पर 4-व्हीलर पर भी पॉसिबल है, ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, जो कुछ भी मिल जाए। तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद पहली लिफ्ट मिली है, ये भाई साहब ऑटो लेकर के आए, रोके और अब देखते हैं कितना किलोमीटर जाएंगे। भाई कितना किलोमीटर तक जाएंगे? दूसरे चौक पर जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो गाइस यहाँ पर सिग्नल बने हुए हैं 500-500 मीटर पर और ये अगले चौक तक जाएंगे। सो गाइस दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट स्कॉर्पियो, ये है स्कॉर्पियो S11।
सो गाइस ये है भाई साहब, इन्होंने हमें यहाँ तक छोड़ा। चलिए ठीक है, बाय बाय। जब हम लास्ट वाले चौक पर थे तो किसी भाई साहब ने कहा था कि इनको 43 छोड़ दो, वहाँ से बस मिल जाएगी। सो शायद तक हम 43 आ चुके हैं और यहाँ से अब बस लेंगे, बस से जाएंगे पटियाला। एक मिनट ना, जरा चेक करके बताता हूँ कि पटियाला यहाँ से कितना दूर है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। अगर फोर व्हीलर से जाना है तो 72 किलोमीटर और अगर बाई वॉक पैदल जाना है तो 65 किलोमीटर। खैर रास्ता ऑलमोस्ट मतलब सीधा ही सीधा है, कहीं पे कोई टर्न नहीं लेना है। जरा सोचो ये बोर्ड कितना काम आता है। अभी हम बोर्ड लेकर खड़े थे और एक भाई साहब यहाँ ऑटो लेकर गए, रुक गए हैं। तो जरा देखते हैं ये कहाँ तक जाएंगे और कहाँ लेकर के जाएंगे हमें। 5:27 हो रहा है, जा रहे थे पटियाला, रह गए चंडीगढ़ में। हुआ क्या पता है, हुआ ये कि सुखना लेक पर एक भाई मिले थे जिनको अपने मुफ्त यात्री के वीडियो में देखा होगा। वो भाई अभी हमें इत्तेफाक से मिले और उन्होंने एक बहुत अच्छी जगह हमें सजेस्ट की है कि आप जाकर वहाँ गोल्डन स्टेचू परफॉर्म कर सकते हो। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं अब वो कौन सा गार्डन है, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और यहीं कहीं आसपास में ही हमें होटल भी मिल जाएगा नाइट स्टे के लिए और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर हमें डिनर भी मिल जाएगा। तो अच्छा है ये होता है हमारी ट्रेवलिंग में, प्लानिंग नहीं चलती है, हवा के साथ बहते जाओ। ये सिग्नल है और सिग्नल से हमें लेफ्ट लेना है इस तरफ। टेरेस गार्डन जो लोकेशन उस भाई ने सजेस्ट की थी, उस लोकेशन पर तो पहुंच रहे हैं, ऑन द वे हैं। बट यहाँ का सिनेरियो काफ़ी तगड़ा लग रहा है। आप मेरे पीछे देखें कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, कितने साफ सुथरे रोड हैं, घर वर बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी तरीके से, जैसे प्रॉपर कॉलोनी नहीं होती प्लानिंग से बनाई हुई, वैसा लग रहा है। पीछे है रोड और यहाँ से है एंट्री इस तरीके से, और ये है टेरेस गार्डन। व्यू काफ़ी सुंदर आ रहा होगा, है ना। अभी वैसे 6:05 बचा है, लेकिन जैसे ही गार्डन के अंदर एंट्री की ना, एंट्री करते एकदम ठंडक सी लग रही है, माहौल काफ़ी अच्छा है, शांत सुकून एकदम चिल्ड वाला मोमेंट है। बाकी घास वास काफ़ी है, हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, बहुत मस्त नज़ारा है। वैसे यार पैरों में बहुत दर्द है दोनों के, वरना तो हम प्लान कर रहे थे कि आज गोल्डन शेड्यूल परफॉर्म करना ही था। थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और उसके बाद में यहाँ से निकल जाएंगे। एक अपडेट मिली अभी, अपडेट मतलब भाई ने पूछा कि यहाँ पर हम लोग गोल्डन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सरदार जी थे, उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल पर्पज़ से नहीं कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे एंटरटेन करने के लिए कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। बट अगर आप पैसे वैसे का मामला अगर रहेगा तो फिर नॉट अलाउड, मतलब पुलिस आएगी, फिर उस दिन वाला वही सीन होगा जो सुखना लेक पर हुआ था, मना कर देंगे, भगा देंगे कि डोनेशन क्यों ले रहे हो, क्या करोगे इसका। तो ये वाला सीन हो सकता है। तो अभी हम लोग थोड़ा बात करेंगे, समझेंगे एंड कुछ और लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे, उसके बाद में डिसाइड करेंगे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ से एंट्री अंदर जाने की 6:10 हो रहा है एग्जैक्टली, और जो टेरेस गार्डन है उसके अंदर हम बैठे हैं इस तरीके से रक्सैक रख करके, और बहुत अच्छा लग रहा यार, काफ़ी थक चुके हैं भाई साहब, पर अब जो रिलैक्स मिल रहा है ना, हाँ। एक्चुअली आज हमने वॉक बहुत ज़्यादा किया, इसकी वजह से थोड़ा सा पैर का जो ये तलवा होता है ना, आर्च जिसको कहते हैं, थोड़ी सी दर्द है, तो बैठने का बहुत मन कर रहा था। सो गाइस अभी 7:37 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं रात हो चुकी है, चारों तरफ जहाँ रोशनी नहीं वहाँ अंधेरा है, और यहाँ पर कुछ हिमाचल के भाई लोग हैं, उनके साथ हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, और अब यहाँ से चलते हैं होटल की तरफ और वहाँ पर रूम मिल जाएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे। बाकी अपना रक्सैक वगैरह रेडी, यहाँ पर हम कुछ चार्जिंग वार्जिंग कर रहे थे, वो सब कुछ हो चुका है। सो लेट्स गो। एंड यहाँ पर जो भाई लोग हैं उनसे थोड़ा सा मिलाना चाहूँगा, ये सारे के सारे हिमाचल से, और चार भाई लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहित ठाकुर। मोहित कहाँ से हो आप? हिमाचल से। कौन सी जगह? मनाली। ब्यूटीफुल। ठाकुर मैं भी मनाली से हूँ, उनके साथ यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो पढ़ाई में? बस नीट की तैयारी MBBS के लिए। ब्यूटीफुल, मेरे ख्याल से हो जाएगा, होना चाहिए। आपका चेहरा ही ऐसा लग रहा है कि शायद यही करने के लिए पैदा हुए हो, पढ़ने वाला सीरियसली। माय नेम इज सूर्यांश महंत एंड आई एम फ्रॉम कुल्लू हिमाचल प्रदेश। ओके, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? बीए कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। बीए, चलो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। वाह वाह, चलो ब्यूटीफुल। एक और भाई है ना, वो कहाँ गए यार? वो उसका नाम भी मोहित ही है। अच्छा अच्छा, वॉशरूम गया है। ओके। रात के 8:28 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त मैं हूँ सेक्टर 45A के बुरैल में चंडीगढ़। आज यहाँ पर एक होटल दिखा है, जाएंगे होटल में बात करेंगे और देखते हैं आज की नाइट स्टे हो सकती है या फिर नहीं, और उसके साथ साथ डिनर की भी बात करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग डिनर की बात करना भूल जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट रिजेक्टेड,
एक और होटल में आया, होटल इंडियन रेसिडेंसी, पर यार इतनी पतली जगह इसमें जाएंगे कैसे पता नहीं। ऐसे जा रहे हैं ऐसे, आज हम आपको रिजेक्शन दिखाने वाले हैं, सेकंड ऑप्शन रिजेक्टेड। सो गाइस थर्ड वाला होटल भी आ गया, होटल समीर रेसिडेंसी। चलिए यहाँ पर चल के देखते हैं, यहाँ तो रेड कारपेट से स्वागत हो रहा है, रेड कारपेट से स्वागत हो रहा है, बाकी देखते हैं रूम में स्वागत होता है या नहीं। ये है होटल समीर रेसिडेंसी एंड फाइनली एक्सेप्टेड। सो जिन भाई साहब ने हमारी हेल्प की उनका जरा चेहरा दिखा देते हैं। सो ये सर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बातों को समझे और आपका ये सहयोग हम हमेशा याद रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा था रेड कारपेट में, रेड कारपेट से स्वागत हो रहा है पर रूम में होगा कहीं, रूम में हो गया। हाँ जी, सो रात के 9 बज रहे हैं और बुरैल की गलियों में भोजन की तलाश जारी है, देखते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आज का हमारा डिनर होता है और डिनर वाली जगह और वो इंसान को दिखाने की कोशिश करेंगे। सेक्टर 45 से बुरैल विलेज की गलियों में खाने की तलाश खत्म है, क्योंकि जिस इंसानियत को दिखाने के लिए हम निकले हैं वो जनाब मिल चुके हैं, पेशे खिदमत है। शुक्रिया। जय हिंद। क्या नाम है सर आपका? रवि ठाकुर। आप कितने साल से यहाँ पर रहते हैं? 15 साल से रह रहा हूँ। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, सब लोगों से हमारी बातचीत हुई और सर कह रहे और सर ने कहा कि चलो खाना खाते हैं, तो चलिए सर। लोग ऐसे हैं जो बात करना चाहते हैं। सो गाइस आज के डिनर में है चावल, रोटी, सलाद, सब्जी और यहाँ पर है दाल। अब सबसे पहले डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद फिर चलते हैं होटल और आपको रूम भी दिखाना है, जो रूम में मिल चुका है आपको अभी तक दिखाया नहीं। तो भाई साहब हमें दिखाने वाले थे पर हमने कहा कि हम भी अभी तक नहीं देखेंगे, पहले डिनर करेंगे फिर देखेंगे। सो अब शुरू करते हैं, ठीक है जी। एग्जैक्टली 9:29 हो रहा है पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि फ्री हो जाए अगर सर, तब आपको उनसे मिलाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब किसी का पार्सल है, कोई अपना बिल पे कर रहा है या फिर कोई ऑर्डर करना चाहता है। क्राउड दिखाता हूँ, तो ये देखें काफ़ी सारे लोग हैं, वो सब निकल जाए फिर हम सर से बात करेंगे। तो दोस्तों ये सर हैं जहाँ पर हम आए डिनर की, M5 फूड्स। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेघनाथ। और कहाँ से हैं आप? नेपाल से। और इस वक्त हम लोग कहाँ हैं? चंडीगढ़ सेक्टर 45। अच्छा जी, आपने हमारा ये मैसेज देखा, आपको कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे भी कोई बंदे थे ऐसी। अच्छा जी, यात्रा कर रहे थे। हाँ जी, टीवी में देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए आप लोग को बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? लोगों से कहेंगे सबकी आपकी हेल्प करें और हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें बस। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस फाइनली डिनर इज डन, अब चलते हैं उन भाई के पास जो भाई हमें यहाँ पर लेकर के आए थे। स्टोरी कुछ ऐसी हो गई कि हम यहाँ से जब निकल रहे थे तब यहाँ पर ओनर नहीं थे, तो यही सर थे ओनर और इनका पूरा स्टाफ नेपाली स्टाफ है, नेपाल के सारे भाई लोग हैं। सो नेपाल के भाई लोग, देखा आपने, ये तो ओनर थे एक्चुअली यहाँ पर, और जितने लोग थे उन सबसे मैं मिला नहीं पाया। खैर जो भाई यहाँ पर लेकर आए थे उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से, और जब इन ओनर को पता चला तो इन्होंने कहा मेरी तरफ से, तो काफ़ी सारी बातें होने लगी पर कोई बात नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट यार किसी एक ने अगर हाथ बढ़ाया तो बाकियों ने भी हाथ बढ़ाया। अब यहीं कहीं वो भाई मिलेंगे जो हमें लेकर के गए थे, उनको ढूंढने के लिए हम निकले हैं। यहीं कहीं दुकान है यार जहाँ पर वो हमें मिले थे। ये हैं भाई साहब। सो गाइस ये है रवि हेयर ड्रेसर्स, ये एड्रेस भाई साहब से पूछेंगे, और ये है बहुत ही अच्छा सलून। सो भाई साहब यहाँ पर हैं। हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से, थोड़ी देर पहले आप मिले थे। आप ये लोकेशन बताना चाहेंगे कहाँ पर हैं है एग्जैक्टली ये दुकान शॉप? चंडीगढ़ 45 सेक्टर, गांव बुड़ैल में। हाँ जी, मेन बाजार। हाँ जी, बाल कटाना हो, दाढ़ी बनानी हो, ट्रिम कराना हो, कुछ भी कराना हो, एक बार आके जाना, बहुत अच्छे इंसान है। जो यार जो अच्छे लोग होते हैं ना वो हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बार आना और भाई से मिलना ज़रूर। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। फाइनली मिल करके बहुत अच्छा लगा। ये यार इन भाई का नाम था रवि ठाकुर, जैसा नाम वैसा काम, पूरी की पूरी गलियां एकदम सुनसान हो चुकी हैं। सो ये है होटल समीर रेसिडेंसी जहाँ पर हम स्टे करने वाले, सो एंट्री इज देयर। सो गाइस रूम में भी आ चुके हैं, अब ये देखो लगा है यहाँ पर फैन और टीवी है, वो तो खैर
पता नहीं शायद चलती भी होगी, हमें तो उसका यूज़ कभी कभी कहीं भी नहीं होता है कभी भी। बाकी ये मिरर लगा है और चेयर हैं दो। ये हमारा बेड जहाँ पर आज हम आराम करेंगे और एडिट करेंगे। थक गया यार, काफ़ी ऊपर, मतलब दो महले की सीढ़ियाँ हैं। अब जाना होगा, फ्रेश होना होगा, मतलब फ्रेश मतलब नहाना है, नहा करके एडिट करना है, फिर सोना है।